क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? भाजपा की डबल इंजन की सरकार में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके काम धंधे बर्बाद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार है, सिर्फ यही दोष है उनका। अल्पसंख्यक भाई बहन है हमारे, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हिंदू मैं बहुसंख्यक हूँ, उस बाबा साहब के संविधान ने जो हक हिंदुओं को दिए हैं, वो संविधान ने हक मेरे मुसलमान भाई बहनों को भी बराबरी के दिए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक है। मैं बहुसंख्यक देश में हमारे अल्पसंख्यकों के जो हक और अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में दिए हैं, उन्हें बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। आज भी मैं यहाँ देख रही हूँ, हमारी कुछ हिंदू बहने भी बैठी है, मुस्लिम बहने भी साथ बैठी है। कोई खतरा है किसी को? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी हिंदू बहने, मुस्लिम बहनों से कोई खतरा है? खतरा है तो केंद्र में बैठी इस तानाशाह मोदी सरकार को हमसे खतरा है। 400 मांग रहे थे, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला आपको। बिहार की और आंध्र प्रदेश की बैसाखियों पे चल रही है ये सरकार। जैसे ही हम चार राज्य जीतेंगे, भाजपा की दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। कौन है ब्रजभूषण शरण? आपका सांसद है ना? गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की ना आपके सांसद ने? क्या हो रहा है देश में? लोकतंत्र नहीं बचा है, लोक मतलब कि लोगों की आवाज नहीं बची है। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? भाजपा की डबल इंजन की सरकार में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके काम धंधे बर्बाद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार है, सिर्फ यही दोष है उनका। अल्पसंख्यक भाई बहन है हमारे, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी हो, पूरे देश में हमारे अल्पसंख्यकों के जो हक और अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में दिए हैं, उन्हें बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। आज नहीं आने देंगे हम आपके हक और अधिकारों। मैं हिंदू हूं, मैं बहुसंख्यक हूं, लेकिन बाबा साहब का संविधान बचाने निकली हूं, क्योंकि उस बाबा साहब के संविधान ने जो हक हिंदुओं को दिए हैं, वो संविधान ने हक मेरे मुसलमान भाई बहनों को भी बराबरी के दिए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक है। मैं बहुसंख्यक, हम सिर्फ संविधान बचा रहे हैं कि इसमें दलित, इसमें आदिवासी, अति पिछड़ा, हमारे अल्पसंख्यक, हमारी जो बहनें यहाँ बैठी हैं, इनके अधिकारों को बचा सके, इनकी आवाज को जिंदा रख सके। हरियाणा के अंदर चुनावों का ऐलान हो चुका है, 1 अक्टूबर को पूरा हरियाणा 90 सीटों पर वोट डालेगा। आपकी इस नू विधानसभा जहां पर मैं आई हूं, 1 अक्टूबर को यहां पर भी वोट पड़ेगा, और 4 अक्टूबर को सोना विधानसभा पर पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में यहां पर भी वोट पड़ेगा। 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। ये भाजपा की डबल इंजन की तानाशाह सरकार को आज उखाड़ फेंकने के लिए हम सब एकजुट हो चुके हैं। क्या कह रहे थे? 400 सीटें पार। हाँ, तीसरी बार मोदी की सरकार क्या किया, हवा निकाल दी या नहीं निकाल दी? 10 सीटें थी लोकसभा की, हरियाणा में कितनी? 10। 10 की 10 किसके पास थी? भाजपा के पास थी। इस बार हमने 10 में से सीधा 5 छीन ली है। लोगों ने 10 में से 5 सीटों पर हरियाणा में इस बार कांग्रेस को जिताया है। और इस बार विधानसभा का चुनाव, इस आधी आबादी का वोट उतना ही बराबर और भारी है जितना पुरुषों का वोट है। पुरुष किसी दबाव में हो सकता है, राजनीतिक दबाव किसी दबाव में आ जाए, पर महिला किसी के दबाव में अपना वोट हरगिज नहीं देगी। क्या मुद्दे हैं मेरी बहनों के? मुद्दा है महंगाई, हाँ या नहीं? है महंगाई मुद्दा या नहीं? घरेलू सिलेंडर कितने का खरीद रही हैं? मोदी की गारंटी 450 का मिलना था ना, क्या घरेलू सिलेंडर 450 का मिल रहा है? क्या कीमत है? क्या कीमत है? 800 रुपया। हाँ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लगा हुआ राजस्थान है, कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए का सिलेंडर दे रही थी, आप 800 ले रहे हो। 4 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बना दीजिए, हम आपको सिलेंडर देंगे 500 रुपए, हम देंगे महंगाई से राहत आप लोगों को।
कल सुबह हिमाचल जा रही हो, कांग्रेस की सरकार है। वायदा था कि हर गरीब परिवार की हर महिला को उसके बैंक खाते में महीने की पहली तारीख में 1500 रुपए डालेंगे, और मेरी बहनों को हिमाचल की कांग्रेस सरकार 1500 रुपए उनके खातों में डालना शुरू कर दिया है। बहनों को मिलने अपनी सरकार का धन्यवाद शुक्रिया करने जा रही है। हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में भी 4 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनते ही हिमाचल की तर्ज पर कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें महिलाओं को सीधा आर्थिक मदद हर महीने पहुंचा रही हैं। हम हरियाणा में भी वायदा करते हैं 2000 रुपए से कम नहीं देंगे, उससे ज्यादा ही देंगे हर महीने की पहली तारीख को हर बहन के बैंक खाते में। ये सारी चीजें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने नेता को लिख कर दी है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी की मंशा बिल्कुल साफ है, संसद के अंदर आवाज उठा रहे हैं, बाबा साहब का अंबेडकर का संविधान लेकर उसे बचाने निकले हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्या क्या तमाशे इन भाजपाइयों ने नहीं किए। श्री राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और मैं आपका शुक्रिया करती हूं। वो यात्रा आपकी धरती से भी गुजरी और आपने दिल खोल कर उस यात्रा का स्वागत किया और एक संदेश दिया, हिंदू मुस्लिम हम अलग अलग नहीं। भड़काने वाले भाषण दिए मोदी जी आपने, देश के प्रधानमंत्री हैं, भड़काने वाले भाषण, और मुंह तोड़ जवाब मिला आपको इन चुनावों में 2024 के चुनावों में। मेरी हिंदू बहनों को डराया, हिंदू बहनों को कहा तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है। क्या कहा? मंगलसूत्र खतरे में है। उन्होंने कहा हमारा मंगलसूत्र खतरे में नहीं है, हमारे चूल्हे खतरे में हैं, हमारे बेरोजगार बच्चे खतरे में हैं, हमारी जवान बेटियां सुरक्षित नहीं है वो खतरे में हैं। ये जवाब मिला उन्हें मुंह तोड़। आज भी मैं यहां देख रही हूं हमारी कुछ हिंदू बहनें भी बैठी है, मुस्लिम बहनें भी साथ बैठी है, कोई खतरा है किसी को? मैं पूछना चाहती हूं मेरी हिंदू बहने, मुस्लिम बहनों से कोई खतरा है? खतरा है तो केंद्र में बैठी इस तानाशाह मोदी सरकार को हमसे खतरा है, क्योंकि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 400 मांग रहे थे, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला आपको। बिहार की और आंध्र प्रदेश की बैसाखियों पे चल रही है ये सरकार, और 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का परिणाम आएगा, हरियाणा का परिणाम आएगा, और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड, चारों राज्य कांग्रेस और इंडिया अलायंस जीतने जा रही है। और जैसे ही हम 4 राज्य जीतेंगे भाजपा की दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। अति हो चुकी है आपकी तानाशाहियों की, जातियों की। महिलाएं सुरक्षा मांग रही है। हमारी हरियाणा की बेटी नाम है विनेश फोगाट, रजिया बानो की तरह खेलों में नाम रोशन किया हमारी बेटियों ने। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माँ बाप कहते हैं बेटियां तो पढ़ा लिखा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर खिलाड़ी बना रहे हैं, पर मोदी जी आपसे हमारी बेटियां बचाई नहीं जा रही हैं। पढ़ा तो रहे हैं पर आपके नेताओं से बचा नहीं पा रहे हैं। कौन है ब्रजभूषण शरण? आपका सांसद है ना, गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की ना आपके सांसद ने हमारी खिलाड़ी बेटी साक्षी मलिक विनेश फोगाट के? किसका साथ खड़े रहे भाजपाई? ब्रजभूषण शरण बेटियों के गिरेबान में हाथ डालने वाला? FIR नहीं होने दी उन्होंने, दिल्ली की पुलिस छुप गई अमित शाह जी और भाजपाई नेताओं के सामने, बेटियों की FIR नहीं हुई। हम गए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आते हैं तब भाजपा के इस सांसद के खिलाफ FIR होती है, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। बोला चुनाव में दोबारा टिकट देके लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। हमने भी कह दिया दीजिए टिकट अपने इस बेटियों के दोषी को टिकट, हम भी देखते हैं कैसे जीतेगा। उसी की लोकसभा में हम तंबू गाड़ कर बैठ गए। मोदी जी भाजपा डरी हमारी बहनों से, और ब्रजभूषण शरण बेटी के दोषी की टिकट काटनी पड़ी। ये हमारी जीत थी कि ब्रजभूषण शरण की टिकट भाजपा को दबाव में काटनी पड़ती है।
आज इस समय 3:30 बजे आपके बीच में हूं, कल इसी समय 3:30 बजे शिमला के हिमाचल में हूं। क्यों जाना पड़ रहा है वहां पर? भाजपा का विधायक है वहां पर भी, नाम है हंसराज। बेटी के गिरेबान में हाथ डालने की हिम्मत की है उसने, गंदे गंदे संदेश मोबाइल पर और गंदी फोटोएं भेजी है। FIR कर दी मेरी सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने, लेकिन अब मैं जा रही हूं कि उसको गिरफ्तार करो और जेल भेजो, क्योंकि ये हमारी सरकार है करके हम दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है हम बैठे रहेंगे। जहां जहां बेटियों के ऊपर आज आएगी, हम वहां वहां भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और मेरी टीम उन बेटियों के साथ, उन पीड़िताओं को न्याय दिलाने के साथ, उन्हें न्याय का हक मिलने तक उनके साथ खड़ी रहेगी। मुझे मालूम है हमारे भाई खड़े हैं, हमारी बहन खड़ी है, बोला सम्मेलन करेंगे, उसमें महिला और पुरुष दोनों आ सकते हैं। मैंने इनसे निवेदन किया, हर सभा में पुरुष ही दिखते हैं, हमारी बहनों से बात और मुलाकात नहीं हो पाती है। मैं खास अपनी बहनों को मिलना चाहती हूँ, ताकि महिलाओं का सम्मेलन होगा तो महिलाएं आ पाएंगी, बैठ पाएंगी और बेझिझक अपनी बात को कह पाएंगी। इसलिए माहौल दिया गया कि सिर्फ सिर्फ हम लोगों ने महिलाओं का ये नारी न्याय के तहत सम्मेलन बुलाया है। स्वाभाविक है हमारे भाई पूरी ताकत के साथ इस मंच पे खड़े हैं। जैसे ही चुनावों का ऐलान होगा, जिसे भी पार्टी यहाँ से टिकट देगी, पूरी ताकत देने के लिए, हर समुदाय को जोड़ने के लिए यहाँ पर दोबारा लौटूंगी। हमारे भाई भी चाहते हैं, बहुत से पुरुष आना चाहते थे हमारे भाई, लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि खास आदि आबादी के लिए रखा है। मुझे मालूम है मेरी महिला बहनों, 28 राज्य हैं हमारे देश में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 28 राज्य है। हर राज्य का दौरा करके आपके बीच में आई हूं। पूरे देश की महिलाओं की एक ही मांग है कि महंगाई, बेरोजगारी और घरेलू हिंसा बढ़ रही है।